भिंडी कटी है आज हमने भिंडी बनानी है। ये हमारी भिंडी तैयार हुई पड़ी है। ये टमाटर है, हरी मिर्च है, ये हमारे मसाले हैं नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये सारे हम इसमें ऐड करेंगे। और इधर हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं भिंडी के लिए। भिंडी जब बनानी होती है ना इसमें प्याज ज़्यादा डालते हैं तो ताकि मसाला अच्छा से बन जाए ना और टेस्ट भी अच्छा आए। अभी जो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे ना प्याज, फिर हम इसमें ना ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे, भिंडी, टमाटर, मिर्च और ये सारे मसाले ना। आज हमारा बहुत दिल कर रहा था कि हम ना भिंडी बनाएं, कोई सब्ज़ी बनाएं, तो इधर मेरी अम्मी ना सब्ज़ी बना रही हैं। देखें मेरी कुकिंग, हमारी कुकिंग ना अम्मी करती हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आप में हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमें लाइक करिएगा हमारी वीडियोस को। अब हमने इसमें ऐड कर दिए टमाटर, मिर्च वगैरह। अब भिंडी हम इसमें ऐड करेंगे और हरी मिर्च, हम हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालते हैं भिंडी में क्योंकि ना टेस्ट अच्छा आता है। अब भिंडी हम को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें ऑयल अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। भिंडी की सब्ज़ी अच्छी होती है, भिंडी हमें पसंद है, भिंडी हम शौक से बनाते हैं और भिंडी फ्राई करके बनाते हैं। इधर हमारे सलाद के लिए खीरा भी तैयार है, प्याज भी और टमाटर भी। अभी मैं सलाद बनाने हैं। और इधर हमारा आटा गूंदा पड़ा है। अभी हमने ना तंदूरी पे रोटियां लगानी हैं, भिंडी के साथ खाएंगे ना फिर बहुत इन्जॉय करेंगे, आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। इधर साथ में हमारी खीर भी बन रही है, हमने कहा थोड़ा मीठा हो जाए साथ में। इसमें ये हमने दूध और चावल, अब इसके भी अच्छी तरह से पक जाएगी ना फिर हम आपके साथ ना शेयर करेंगे वीडियो। अभी देखिए ये दूध ऊपर है अभी थोड़ा थोड़ा, जब ये मुकम्मल गाढ़ा हो जाएगा ना तो फिर ये ठीक हो जाएगी। आज हमारा बहुत दिल कर रहा था कि हम खीर भी बनाएं साथ ना, इसलिए हम खीर भी बना रहे हैं। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे, भिंडी को, प्याज को, टमाटर वगैरह को, सब कुछ। इतनी ज़्यादा हरी मिर्च होगी ना भिंडी में, इतनी भिंडी मज़े की बनेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा भिंडी में। अब ज़्यादा सब्जियों का मौसम है ना, तो इसलिए ना बहुत सारी सब्जियां आई हैं, सबक चने आ गए हैं, भिंडी आ गई है, टिंडियां आ गई हैं, करेले भी आए हैं, आलू गोभी, बहुत मज़े की बनते हैं ना सारी सब्ज़ियाँ। अब सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, नमक हरा सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम ताकि मसाला उसमें जज़ब हो जाए। तो सब्जियों का मौसम है तो इसलिए ना बहुत मज़े की सब्जियां बनती हैं और साथ में तंदूर की रोटी हो तो क्या ही बात है। हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, जब ये थोड़ा ठीक हो जाएगी ना फिर हम इसको दम देंगे 5 मिनट के लिए। अब हमने ना थोड़ा सा पानी लगा लिया है और ना थोड़ा सा हम दम देंगे 5 मिनट के लिए ताकि भिंडी अच्छी तरह से ना
पक जाए और तैयार हो जाए, फिर आपको दिखाते हैं, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ये इधर अम्मी तंदूर पे रोटियां बना रही हैं। सही रोटी दिखाएं। ये पहले ये हमारी रोटियां, ये अपनी बेड़ी गई हैं और ये लगी हुई है रोटी। ये इधर हमारी खीर तैयार होने वाली है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ रहा है। हमने ढक्कन खोल लिया है, अब हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे। यह हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है और साथ में हमारी खीर भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं दोनों चीज़ें।